नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दायां हाथ कहे जाने वाले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। शुक्रवार सुबह 7 बजे मनीष सिसोदिया के घर पहुंची टीम की छापेमारी 14 घंटे तक चली। सीबीआई ने उन पर ये रेड नई आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार के मामले में डाली है, जिसमें कथित भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी सरकार पर लग रहे हैं और मुख्य चेहरा बन रहे हैं मनीष सिसोदिया, क्योंकि उस वक्त आबकारी विभाग मनीष सिसोदिया के पास था, इसलिए सीबीआई के रडार पर मनीष सिसोदिया ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो नई आबकारी नीति क्या है जिसके चलते मनीष सिसोदिया सीबीआई के रडार पर आए, और क्यों सिसोदिया की नई शराब नीति पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्यों ये नई शराब नीति चर्चाओं में है? देंगे इन्हीं तमाम सवालों के सरल जवाब आसान सी जानकारी। दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानें 60% थी, जो नवंबर 2021 में अपनी नई शराब नीति के तहत केजरीवाल सरकार ने बंद कर दी और फिर नई नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन्स में बांट दिया गया। हर जोन में 27 दुकानें रखी गई, सभी को लाइसेंस दिए गए और उसी आधार पर मालिकाना हक भी दिया गया। नई नीति के तहत हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर ही शराब बेच सकते थे, जिनके पास लाइसेंस है उन्हें 2 या कुछ अन्य रियायतें भी दी गई, जैसे शराब पर डिस्काउंट देना, उसकी एमआरपी ना देखना, खुद ही कीमत को तय कर देना वगैरह। जाहिर सी बात थी, जब इतनी छूट मिलेगी तो वेंडर्स को फायदा भी मिलेगा, और हुआ भी ऐसा ही। फायदा मिलने के साथ साथ शराब की बिक्री भी बढ़ी। यहाँ एक सवाल ये कि केजरीवाल सरकार को दिल्ली में पहले से मौजूद शराब नीति के बावजूद नई शराब नीति लाने की क्या जरूरत थी? तो दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक इस नई शराब नीति को इसलिए लाया गया क्योंकि इससे दिल्ली में फैल रहा जो शराब माफिया था उस पर शिकंजा कसा जा सकता था और सरकार का जो राजस्व था उसे बढ़ाया जा सकता था। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि इस नई नीति के चलते दिल्ली सरकार को काफी फायदा हुआ है, सरकारी खजाने में 8900 करोड़ रुपए आए हैं। और जब नीति में सब कुछ ठीक ठाक था तो फिर इसी को मुद्दा बनाकर सीबीआई ने सिसोदिया के यहाँ पर छापेमारी क्यों की? तो अब सुनिए सीबीआई की छापेमारी का आधार। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई शराब नीति के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी। इसके बाद सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया सहित 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए ये कार्रवाई की। कारण क्या है? तो पहला कारण है दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के तहत एयरपोर्ट जोन में खुदरा बिक्री की दुकानों को खोलना। हालांकि किन्हीं वजहों से ये दुकानें नहीं खुली, दुकानें नहीं खुलने पर इन दुकान मालिकों की ओर से जो जमा किए गए थे 30-30 करोड़ रुपए की राशि सरकार को उसे जब्त कर लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ये फैसला किया कि वो ये 30 करोड़ रुपए की राशि उन्हें वापस कर देगी। दूसरा कारण, दिल्ली सरकार ने बियर पर आयात शुल्क जो था उसे हटा दिया। दिल्ली सरकार ने विभाग के सक्षम अधिकारी की परमिशन लिए बिना 18 नवंबर 2021 को विदेशी शराब की दरों की गणना के फॉर्मूले को ही बदल दिया, जबकि इसे बदलने से पहले विभाग के अधिकारी की परमिशन लेनी जरूरी होती है। इस फैसले से हुआ ये कि बियर के प्रति केस पर केस पर जो 50 रुपीज का आयात शुल्क लगता था वो हटा दिया गया, उसे सरकार ने हटा दिया, जिससे विभाग को घाटा हुआ। इधर आबकारी विभाग ने L7Z की निविदा के प्रावधानों में फिर से ढिलाई बरती, जबकि भुगतान में चूक होने पर विभाग की ओर से इस मामले को सख्ती से लेना चाहिए था, कड़ाई से इस पर कार्यवाही करनी चाहिए थी। एक और बड़ा मुद्दा ये बना कि दिल्ली सरकार की ओर से ही कोरोना महामारी के कारण निविदा लाइसेंस शुल्क पर 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई, जबकि निविदा दस्तावेज में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं, है ही नहीं। तो एक तरह से ये हुआ कि सरकार को 144 करोड़ रुपए का जो था वो नुकसान हुआ। फिर ये आइए नई नीति क्या थी उसके नियमों पर आते हैं। सरकार की जो नई शराब नीति थी उसके मुताबिक हर वार्ड में कम से कम 2 शराब की दुकानें खोलने की शर्त पर निविदा जारी की गई थी। इसके बाद में विभाग ने बगैर किसी परमिशन के, बिना अनुमति के अनुरूपता वाले वार्ड में भी ठेके खोलने की परमिशन दे दी। ये भी आरोप है कि शराब पीने का प्रचार सोशल मीडिया बैनर होर्डिंग के जरिए भी किया गया। ऐसा किए जाने के बावजूद भी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई विभाग की तरफ से नहीं की गई, सरकार की तरफ से इस पर कोई सख्ती नहीं दिखाई गई। तो अब आप समझ गए होंगे कि मुख्य क्या कारण है जिनके चलते सीबीआई ने दिल्ली सरकार की उप मुख्यमंत्री के खिलाफ रेड डालकर ये कार्रवाई शुरू की है। उनकी सीबीआई के रडार पर जो सिसोदिया जी हैं वो आए हैं।
सीबीआई की इस छापेमारी के बाद सियासत गर्मानी भी शुरू हो गई है। वार पलटवार का दौर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिस किसी ने भी इस देश में अच्छा काम किया है उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, कोशिशें की जाती हैं, इसलिए भारत आज बहुत पीछे है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की बेहतर शिक्षा मॉडल की तारीफ अमेरिका के फेमस अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में की जा रही है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन उसी के घर पर सीबीआई की छापेमारी हो रही है। जवाब में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की एक्साइज मंत्री आज एक्सक्यूज मंत्री बन गए हैं। उन्होंने कहा कि छापेमारी का मामला पूरी तरह से शराब के कारोबार और लाइसेंस से जुड़ा हुआ है, उसके भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने उस दिन शराब नीति को पलट दिया जिस दिन इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, क्योंकि लाइसेंस जारी करने में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। यहां घायल कांग्रेस ने भी अपने जख्म दिखाए और मुद्दे पर अपना मत रखा। कांग्रेस की ओर से भी इस मामले को एक बार फिर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को जोड़ते हुए आरोप लगाए गए। कांग्रेस ने कहा कि अगर एजेंसियों का सही इस्तेमाल किया गया होता तो असली भ्रष्टाचारी जेल के अंदर होते। एक तरफ केजरीवाल हैं जो अपनी सरकार को पाक साफ कह रहे हैं, सही काम करने वालों को दबाने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है जिसका साफ कहना है कि भैया सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल ठीक ढंग से हो ही नहीं रहा है। और छापेमारी के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जो दिल्ली सरकार को रेवड़ी और बेवड़ी सरकार कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर शराब नीति सही थी तो वापस क्यों ली गई, यानी नीति में कोई भ्रष्टाचार था इसलिए उसे वापस ले लिया गया। सीबीआई का भी दावा है कि नई शराब नीति के कोर्ट लेकर बड़े घोटाले हुए हैं जिनका आधार मुंबई में गढ़ा गया है। इधर तमाम आरोपों से घिरे मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली की एक्साइज स्कीम सबसे अच्छी स्कीम है, देश के लिए उदाहरण बन सकती है। अब इस मामले में आगे आगे क्या होगा वो आप समाचारों में सुर्खियों में सुनते ही रहेंगे। आगे की जानकारियां हम भी इस विषय से जुड़ी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।